तो पुण्यात्माओं, हमारा कहने का दास का उद्देश्य ये है कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि इन दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से, और ये MLA वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना तो ये कर सकते हैं, इससे अधिक इनका व्यवत नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ हो, ये लुक दे फिर दे फिरें जाओ ना, ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, दो पैसे हो जाए, वो बकवाद कराया करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते उन दोनों, तो ऐसे अपने तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लेते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़िया घर में, वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मर रहा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया। उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मर रहा था सारी खा गया। तो जब चलने लगा उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं, और वे को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के ले आवा। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जा वो कर रहा था, वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला रे तेरा गजब मत भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इस तो मांग रहा था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। वापिस आ गया। तो पुण्यात्मा ये कोड वर्ड है, समझ लेना, हम धक्के क्यों खा रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से दूर हो गए, वो परमात्मा हमें मिला नहीं, जिससे हम प्रारब्ध से न्यारा भी मांगेंगे तो भी हमें देगा, वो कबीर गॉड है।